हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं भूपेंद्र गौतम आप सभी के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आगामी रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार, जिसमें अपन ने माहेश्वर सूत्र, संस्कृत में अच और हल वर्ण तथा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 वर्णों की बात अपन ने की, जो कि मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछले वीडियो को देखे। और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे उच्चारण स्थानों की। देखते हैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाली प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। तो शुरू करते हैं। उच्चारण स्थलानि कति भवन्ति, आपको बताना है उच्चारण स्थान कितने होते हैं। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, सप्त। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में उच्चारण स्थानों की जो संख्या बताई गई है वो 7 मानी गई है। आज पहले अपन क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद में मैं पूरा उच्चारण स्थान का विस्तार से आपको बताऊंगा। तो उच्चारण स्थान जो संस्कृत में माने गए हैं वो माने गए हैं 7। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क वर्ग से उच्चारण स्थान अस्ति, तो आपको बताना है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, कंठ है। जी हाँ दोस्तों, क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और अने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। च वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, आपको बताना है च वर्ण का उच्चारण स्थान है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, तालु। जी हाँ दोस्तों, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, और तालु से उच्चारण होने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है री इतस्य उच्चारण स्थानम कह, आपको बताना है री का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर है वो है ब, मूर्धा। रीवर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो मुर्दा होता है। अगला क्वेश्चन है तय वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, तो आपको बताना है तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तय दंत है। जी हाँ दोस्तों, तय वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत, अर्थात तय वर्ग शरीर के दंत नामक अंग से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है तय वर्ग के उच्चारण में, इसलिए इस वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दंत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नासिका। जी हाँ दोस्तों, नासिका अनुस्वारस्य ऐसा एक सूत्र है पाणिनीय व्याकरण में, जिसके अंतर्गत नासिका से उच्चारण होने वाले प्रत्येक वर्ण का अनुस्वार
अर्थात अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका होता है, और नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तो थी अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं उच्चारण स्थानों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूँ दोस्तों, उच्चारण स्थान क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का कोई एक विशेष अंग जो है वो सक्रिय हो जाता है। अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में अपन जिस अंग का अत्यधिक प्रयोग होता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि प वर्ग का अपन उच्चारण करते हैं, प वर्ग का, तो अपना ओष्ठ जो है वो अत्यधिक खुल जाता है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है। इसी तरह से अन्य सभी वर्गीय जो व्यंजन हैं उन सभी का जब अपन उच्चारण करते हैं तो शरीर का कोई एक विभिन्न विशेष अंग क्रियाशील होता है और वही अंग उस वर्ग का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब उच्चारण स्थानों के बारे में और अपन डिटेल से देखते हैं थोड़ा सा। सामान्यतः अपन बात करें तो संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या जो है वो 7 मानी गई है, जिनमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल, ये 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। लेकिन पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, पाणिनीय जो शिक्षा नामक एक पुस्तक लिखी महर्षि पाणिनि ने, पाणिनीय शिक्षा, उसमें उर और काकल ये दोनों एक ही हैं, उर या काकल, इसको भी उच्चारण स्थान माना गया है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थानों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 8, जबकि सामान्यतः संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। RPSC के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें RPSC ने 7 माना था, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। उच्चारण स्थानों की सामान्यतः जो संख्या होती है वो 7 होती है, जबकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 8, जिसमें उर व काकल को शामिल किया कर जाता है और उच्चारण स्थानों की संख्या 8 हो जाती है। दोस्तों जैसे कंठ से कोई वर्ण उच्चारण होता है तो उस वर्ण को कंठ्य वर्ण कहा जाता है, ऐसे ही कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कंठ्य कहलाता है। तालु से उच्चारण होने वाला जो वर्ण है वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इस तरह मूर्धा से जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं उनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। दंत नामक अंग से जो जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ से जो वर्ण उच्चारण होते हैं उनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। इसी तरह से नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है, और नासिका से सामान्यतः अनुस्वार आदि का उच्चारण होता है। प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण की बात करें अपन तो उसका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है, लेकिन यदि वर्ग विशेष के अंतर्गत पूछा जाता है तो उसका उच्चारण स्थान संबंधित वर्ग होता है। जैसे कि क वर्ग का 5वां अक्षर है ण, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में नासिका आता है तो अपने को नासिका को वहाँ पे प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि मूल रूप से उसका उच्चारण स्थान जो है वो है नासिका है। जबकि वर्गीय व्यंजनों के अंतर्गत उसकी बात करें तो कंठ उसका उच्चारण स्थान होगा। इसी तरह से च वर्ग में 5वां वर्ण है उसका भी तालव होगा, लेकिन नासिका यदि ऑप्शन होता है तो उसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, नासिका। और देखते हैं आगे, ये इस तरह से कुछ सूत्र दिए गए हैं संस्कृत व्याकरण में इन उच्चारण स्थानों के लिए। कंठ अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है, पहला सूत्र है अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है, अर्थात ए कु से आस्य है कै वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, कै, खै, गै, घै और ने, अर्थात ए ऐसे आस्य यहाँ पे
ऐसे हास्य है ए या आ, ए या आ, इन दोनों वर्णों का ऐसे ही माना गया है। और क वर्ग ए के बाद में क वर्ग और साथ में है जो कि उस वर्णों के अंतर्गत पढ़ा गया है, स स स है, तो है वर्ण तथा विसर्ग, विसर्ग से मतलब है विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है और कंठ से उच्चारण जो वर्ण होते हैं उनको कंठ वर्ण कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कंठ, कंठ नामक अंग से ए या आ, क वर्ग, है और विसर्ग का उच्चारण होता है और इनको कंठ वर्ण कहा जाता है। अगला है ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु अर्थात ई या बड़ी ई, यह, च वर्ग और स, इसको तालव्य से कहा जाता है। इन सभी का उच्चारण तालु नामक अंग से होता है, इचु यसानाम तालु अर्थात ई या बड़ी ई, च वर्ग, य और स, इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है और इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। अगला सूत्र है रीटू रसाणाम मूर्धा अर्थात री या बड़ी री, टै वर्ग, रे और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और इनको मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। अगला है लृतु लसानाम दंता अर्थात लरी, तय वर्ग, लय और स, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। अगला है औष्ट और इसके लिए सूत्र दिया है उपूपदमाननिया नाम औष्ठो, उपूपदमाननिया नाम औष्ठो, तो इसका है उ या ऊ, पैवर्ग और उपदमान्य जो वर्ण है, उपदमान्य वर्ण मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये अर्धविसर्ग का चिन्ह है और इसके बाद में यदि पै या फ वर्ण आता है तो उसको उपदमान्य वर्ण कहा जाता है और इसको अर्धविसर्ग कहा जाता है। तो इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ होता है और इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। अगला है यमगणना नाम नासिका च अर्थात प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के पांचवे वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग की बात जब होती है तो क वर्ग आता है, एक सीधा सा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है तो वहाँ पे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। यदि पूछा जाता है ण वर्ण का उच्चारण स्थान है तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत होता है, लेकिन यदि नासिका ऑप्शन में है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नासिका। अपने को प्राथमिकता देनी है नासिका को, नासिका ऑप्शन नहीं होने की दृष्टि से अपन दंत इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि नासिका ऑप्शन में आता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नासिका होगा। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अनुस्वार और वर्ग के पंचम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। अगला है ए देतो कंठ तालु अर्थात ए और आई, ए और आई, इन दोनों के बात करें अपन तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस तालु, इन दोनों अंगों से ए और आई का उच्चारण स्थान होता है। अर्थात ए और आई के उच्चारण करते समय अपने शरीर के दो अंग कंठ और तालु विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए
इन वर्णों का उच्चारण जो है कंठ और तालु है। देखते हैं अगला, ओ दो तो कंठ ओष्टम, अर्थात ओ और औ, इन दोनों का जब उच्चारण किया जाता है तो शरीर के कंठ तथा ओष्ठ विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान माना गया है कंठ और ओष्ठ को। इस तरह आगे बात करें तो वे वर्ण का उच्चारण करते समय दंत और ओष्ठ विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए वे वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ माना गया है। और दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वे वर्ण का उच्चारण स्थान, तो आपको ध्यान रखना है वे वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है और इसको लिए कहा गया है वैकारस्य दंतोष्ठम। अगला है जीवामूल, जीवामूल मैंने आपको बताया था यदि अर्ध विसर्ग के बाद कै या ख आता है तो उसको जीवामूल्य वर्ण कहा जाता है, और जीवामूल्य वर्ण के उच्चारण जो होता है वो अपने शरीर का एक अंग है जीवामूल, वहाँ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको भी एक अलग से उच्चारण स्थान पाणिनि ने माना है। तो जीवामूल्य वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो जीवामूल होता है। इसके बाद अगला जो सूत्र है अपना वो है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार से युक्त वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। तो ये तो था दोस्तों विशेष वर्गीकरण, जबकि आगे थोड़ी सी और बात करते हैं अपन उच्चारण स्थानों से संबंधित जो अन्य क्वेश्चंस बनते हैं उनसे संबंधित। संस्कृत में अपन बात करें दोस्तों तो वर्गों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, वर्ग का जो प्रत्येक वर्गीय जो व्यंजन है उन सभी का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, एक उच्चारण स्थान और दूसरा प्रयत्न। इन दो आधारों पर संस्कृत व्यंजन वर्णों का जो है वर्गीकरण किया गया है, एक उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा प्रयत्न के आधार पर। तो आज के इस वीडियो में अपन ने देखा है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीय या व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, जबकि अगले वीडियो में अपन बात करेंगे प्रयत्नों की। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा अगला भी आपके लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैंने बताई अभी, जैसे कि संस्कृत में उच्चारण स्थानों की कुल संख्या जो है वो 7 मानी गई है, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उर या काकल को एक अन्य उच्चारण स्थान मानकर उच्चारण स्थानों की संख्या कर दी गई 8, जबकि सामान्य रूप से हैं उच्चारण स्थानों की संख्या जो है वो 7 मानी गई है। आगे अपन बात करें दोस्तों, एक और फैक्ट बताता हूं मैं, विसर्ग, सामान्य रूप से विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है, लेकिन पाणिनि ने इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया, अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिने, अर्थात अयोगवाह जो वर्ण है वो जिस पर आश्रित होते हैं उसी स्थान विशेष का चयन करते हैं, अर्थात सामान्य रूप से तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन ये सामान्य अवस्था कौन सी होगी, सामान्य अवस्था होगी जैसे अह, इस तरह से यदि ये विसर्ग है तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ, यदि स्थिति होती है कह, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ होगा, लेकिन यदि च के साथ विसर्ग आता है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं होकर तालु होगा, क्योंकि च जो है वो तालव्य वर्ण है और इसके बाद में विसर्ग लगा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा तालु। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग का सामान्य रूप से उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन यदि विसर्ग अन्य वर्गीय व्यंजनों के साथ आता है तो उसी वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वही विसर्ग का भी होगा।
ये तो ही एक सामान्य जानकारी। कुछ अन्य जानकारी जो कि आजकल सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, विशेष रूप से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम वही फाइट कर पाते हैं जो उन विशेष क्वेश्चनों तक पहुंचते हैं, क्योंकि सामान्य क्वेश्चनों तक लगभग लगभग सभी पहुंचते हैं। आपको 100% सफलता प्राप्त करने के लिए उन विशेष क्वेश्चनों को पढ़ना जरूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको खुद बनाने पड़ते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है लेकिन अपन उसकी भाषा को नहीं समझ पाते और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उन्हीं क्वेश्चनों पर अपने को विशेष रूप से फोकस करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे यहाँ से पूछा जाता है सामान्यतः व्याकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व्याकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सीधा आंसर हो जाता है दंत और ओष्ठ। लेकिन यहाँ से कुछ अलग से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कितने उच्चारण स्थान हैं जिनका दो वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि, या फिर वर्ण पूछा जाता है यहाँ से कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण दो अंगों से होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, एक तो कंठ तालु अर्थात ए आई, कंठोष्ठ ओ औ, दंतोष्ठ अर्थात व, इनका उच्चारण जो होता है वो दो अंगों से किया जाता है। ए आई का उच्चारण जो होता है वो कंठ और तालु दोनों से होता है, ओ औ का जो उच्चारण होता है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, साथ में वकार का जो उच्चारण होता है वो दंत तथा ओष्ठ इन दोनों अंगों की सहायता से होता है। इसलिए ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, यदि इसमें से कुछ रह जाता है तो अगले वीडियो में वो भी मेरे द्वारा आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो अपने दो वीडियो अभी तक हो चुके हैं, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देखे, उसके बाद में इस वीडियो को देखेगा तो बेटर तरीके से उसको समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक अभ्यर्थी लाभ प्राप्त कर सकें और सभी को फ़ायदा हो। तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी विषयों की तैयारी करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में, जहाँ की सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सभी पर हमारे पेज और ग्रुप आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक आपको दिए गए हैं, जो भी हमसे जुड़ना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।